लवलीनू के बारे में बात करेंगे। काफ़ी स्पेशल वीडियो रहने वाला है क्योंकि पूरे का पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ग्रीनरी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक रैली प्रिडिक्ट की जा रही है और इस बार वो हो भी सकती है। हालांकि पिछले 3 महीनों में अगर कहा जाए ओवरऑल मिक्स खबरों के बीच में मार्केट ऐसा फंसा हुआ था कि बार बार पंप हो रहा था, डंप हो रहा था। किसी भी चार्ट एनालिसिस को ये फॉलो नहीं कर रहा था, हर चीज़ को इसने रॉन्ग प्रूफ करके दिखाया है। जैसा कि आप लवलीनू की अगर आप प्राइस देखोगे तो कोई खास इसमें ना तो डाउन है ना पंप है, लेकिन कंटिन्यूसली डिग्रेड हो रहा है। पिछले 3 महीनों से अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस जो है कंटिन्यूसली ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा कई मीम कॉइन्स के साथ हो रहा है। और स्टेबल कॉइन की अगर बात की जाए तो मैंने जैसा कि आपको आज से 1-1.5 महीने पहले भी एक वीडियो बना के दिखाया था जिसमें मैंने जिलीका XRP और APENFT जो टोकन था जो कि रिसेंटली, हालांकि उसका पंप होने का रीज़न काफ़ी क्लियर है, इलोन मस्क ने अपनी DP जो चेंज की है उसी वजह से, लेकिन जो जिलीका XRP की बात है उसमें काफ़ी अच्छा खासा पंप डंप कंटिन्यूसली नज़र आया, यानी ट्रेडिंग के मामले में काफी ज्यादा बेनिफिट रहा होगा, काफी लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा जिलिका और XRP से। तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना और आगे भी उसकी इवेंट्स आ रही है जिलिका के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप सचेत रहना क्योंकि वो स्टेबल कोइन है सबसे पहली बात तो वहाँ पे आप अपना अमाउंट, अपना डिजायर्ड अमाउंट भी वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि उसमें और भी इवेंट्स आने वाली है जैसा कि मेटावर्स से रिलेटेड आने वाली, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और आपको पता चलेगा कि आगे जाके वो कितना बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए 5 से 6 टोकन जो हमेशा एवरग्रीन रहने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए। अभी हम लवलीनू की बात करें लेकिन एक चीज़ ऐसी भी बात करने वाले हम लास्ट में जो कि पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, जैसा कि ये चीज़ अभी बिटमार्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा एक्सचेंज माना जाता है Tier 3 के अंदर क्योंकि काफ़ी रेप्यूटेड एक्सचेंज है। इसके अलावा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है और ज़्यादातर जो मीम कॉइन्स होते हैं और छोटे प्रोजेक्ट भी होते हैं यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो लवलीनू हमेशा से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिटमार्ट पर टॉप ट्रेंड में नज़र आया और खासकर इंडिया से। अब दोस्तों इंडिया से टॉप टेन ट्रेंडिंग कॉइन्स में जो है कि लवली आ रहा है और वो भी नंबर 1 पर आ रहा है, दूसरे पर बेबी डोज आ रहा है, देन वोल्ट, ब्रिस, डोज, मेटा, सेतामा, TRX, इलोन एंड डोज। तो डोज कॉइन की बात की जाए और ब्रिस और बेबी डोज की बात की जाए तो दोस्तों ये मेम कॉइन्स है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है शुरू से, लेकिन लवलीनू जो है पिछले अगर 6-7 महीने इसके देखे जाएँ तो इतना अच्छे नहीं रहे हैं इसके लिए क्योंकि इसमें अपडेट्स तो आ रही हैं कंटिन्यूसली, लेकिन इसकी प्राइस की अगर बात की जाए ओनली प्राइस फैक्टर की तो ना कोई लोग ट्रेडिंग करके इसमें कमा पाया है और ना ही होल्डिंग करके, तो लेकिन फिर भी नंबर 1 पर आ रहा है। तो इसका रीज़न ये भी है क्योंकि हेटर्स लोग भी काफ़ी जो इसको हेट करते हैं या इसको जो सपोर्ट भी करते हैं सारे लोग इसको आके सर्च करते हैं बिटमार्ट पर और इसकी वेबसाइट विजिट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और इसमें ज़्यादातर इंडियन जो इन्वेस्टर हैं वो पाए जाते हैं। इसी वजह से इंडिया टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स यहाँ पर साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है, इंडिया से इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल भी रहा है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी हो रही होगी क्योंकि वेबसाइट विजिट करने वाले भी इंडियंस होते हैं। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि छोटे इन्वेस्टर अगर देखा जाए तो इंडिया से सबसे ज़्यादा मिलेंगे, जबकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो ओवरऑल मार्केट कैप होती है तो उसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी कम है इंडिया का, इंडियन लोग जो होते हैं उसमें छोटे इन्वेस्टर ज़्यादा हैं तो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करता ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, करने वाले करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर काउंटिंग देखी जाए तो इंडियन इन्वेस्टर काफ़ी छोटे इन्वेस्टर होते हैं अगर खासकर मीम कॉइन्स की बात की जाए तो, और ये अच्छा भी है क्योंकि मीम कॉइन्स में कम अमाउंट डालना है काफ़ी स्मार्ट होता है, ये मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। इसके अलावा ब्रिस की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है और इसका यूज केस काफ़ी अच्छा खासा है और इसको लोग काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं और जो कि आपको पता होगा लवली V3 स्वैप पर भी फिलहाल लिस्ट हुआ था जैसा कि आपको मैंने ट्वीट करके बताया था और उसके बाद में डॉक्टर स्कल भी लिस्ट हुआ था, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। अब 2-3 क्वेश्चन और रेज हो रहे थे टेलीग्राम पर भी, थोड़ी हेट तो है, नेगेटिविटी कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं मुझे कई यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में भी और टेलीग्राम पर भी, यानी कि ज़्यादातर जो इसके प्रोडक्ट है, हालांकि लवलीनू के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियरली एक वीडियो डेडिकेटली बना दिया था, अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ज़्यादातर जो मीम कॉइन्स होते हैं वो पहले हाइप और मार्केटिंग करते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी देते हैं अपने इन्वेस्टर को, काफ़ी ज़्यादा पंप भी आता है उनमें, उसके बाद में वो अपनी यूटिलिटीज़ पर आते हैं बाद में, लेकिन लवली वालों ने ये चीज़ पहले कर दी, बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, ये पहले यूटिलिटी पे काम कर रहे हैं बाद में ये मार्केटिंग वगैरह चीज़ें लाएंगे, तो इसमें पंप कभी ना कभी तो आना ही है, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन कई लोग इसके जो प्रोडक्ट है उन पर भी क्वेश्चन करते हैं कि ये सारे फर्जी हैं जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ ये आ चुका है मार्केट में, इनसे होने वाला कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ जैसा कि V3 स्वैप है, अगर आप इसको फर्जी बोलोगे, कुछ लोग बोल रहे हैं, हर कोई नहीं बोल रहा है लेकिन बोल रहे हैं, तो अगर V3 स्वैप फर्जी होता तो भाई ब्रिस जैसा टोकन वहाँ पे लिस्ट कैसे हो सकता है, बेबीडोज कॉइन जैसा वहाँ पे लिस्ट कैसे हो सकता है, और भी जैसे कि आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे अगले 1-2 महीनों में और अच्छे अच्छे कॉइन्स को ही ये टारगेट कर रहे हैं जैसा कि बेबीडोज,
आपको पता है सबसे बड़ा अगर आर्मी किसी का है तो वो बेबी डोज कोइन है, और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी यही रहा है लगातार ट्विटर पर अगर बात की जाए तो। और ब्रिस जो है अभी फिलहाल रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी मार्केट कैप कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। तो इस तरह के टोकन्स अगर वहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि ये सब प्रोडक्ट फर्जी हैं। हाँ, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बोली हुई, इसकी टीम काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी दे रही है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग जीरो रख रही है, शून्य कह सकते हैं। इसी वजह से इन सब चीज़ों से इसके प्राइस फैक्टर पर ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई लवली इनू की। और लवली इनू फाइनेंस एक सिर्फ टोकन नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, इन्होंने बिजनेस प्लान में भी जब एम एस एस एन में डिक्लेयर किया था कि ये एक कंपनी की तरह है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। और इनका जो मोटो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है टेलीग्राम से, तो यही समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें पहले लाने वाले हैं मार्केट में, देन उन सब चीज़ों को ये मार्केटाइज करेंगे, उनकी हाइप क्रिएट करने वाले हैं, फिर जाके दोस्तों इसमें पंप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात कि काफ़ी लोग $1 वाले जो वो टर्म्स थी, जो टैगलाइन थी, उसी की वजह से हमेशा लवली को टारगेट करते रहते हैं। हालांकि ये बुरी बात नहीं है क्योंकि उनको बोला गया तो वो टारगेट तो करेंगे, लेकिन मैं अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं या किसी और यूट्यूबर्स जो कि अच्छा इस चीज़ को तरीके से बताता है, तो आपको इस ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि $1 वाला टारगेट सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो हमेशा के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं और जिनको प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि हमें ना तो लवली से मतलब है, ना लवली नो के प्रोडक्ट से मतलब है, ना किसी और चीज़ से, हमें सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट से मतलब है, और उस पर कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, और साथ ही साथ हमें उससे प्रॉफिट कैसे लेना है उस चीज़ से मतलब होना चाहिए। तो उस तरीके से बात की जाए तो आपको $1 का टारगेट तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और कई लोगों ने शिबा इनू से इसको कंपेयर किया, हालांकि शिबा इनू से इसको कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिबा इनू ऐसा कोई नहीं, वो मीम कोइन की तरह आया, उसने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की, काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और कुछ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनको उन्होंने भी उसके बारे में ट्वीट करके उसको प्रमोट किया था, तो काफ़ी ज़्यादा उसने प्रॉफिट दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाद में उसको कहीं ना कहीं मार्केट में सस्टेन करने के लिए उसको यूटिलिटीज़ का सहारा लेना पड़ा है, पार्टनरशिप का सहारा लेना पड़ा है, तो वो चीज़ें आई हैं बाद में। जबकि लवली इनू बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये पहले ला रहा है, चाहे वो पार्टनरशिप की बात हो, चाहे वो ये इस तरह के जो V3 स्वैप हो गया या इसकी ब्लॉकचेन। हालांकि ये हाँ, एक चीज़ और, एक जो सब्सक्राइबर है हमारे, तो उन्होंने पूछा कि आप लवली ब्लॉकचेन के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, आप कभी नहीं बोलते कि लवली ब्लॉकचेन भी लाने वाले हैं आगे जाके, तो वो चीज़ हमेशा ये, हालांकि टेलीग्राम पर ये बोल रहे हैं कि वो चीज़ भी आएगी, लवली ब्लॉकचेन भी आएगा, मेटावर्स में भी जाएगा, सारा कुछ होगा, लेकिन मैं एक फैक्ट्स और जो प्रैक्टिकल बात होती है उसी पर बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि फेस 5 तक अभी इन्होंने अपना रोड मैप सेट किया हुआ है, और यहाँ पर लवली ब्लॉकचेन कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ना ही यहाँ पर इसमें मेटावर्स में एंटर करने के लिए कोई चीज़ मेंशन है, तो उस चीज़ को मैं पहले बोल नहीं सकता हूँ। जो चीज़ मेंशन है उसी चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ, और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता फेज 4 के टाइम से, हालांकि इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, पिछले कह सकते हैं कि पूरे 5 से 6 महीने लग चुके हैं इसको ख़त्म होने के लिए और 5वें जो फेज़ में एंटर करने के लिए, लेकिन मंथली बेसिस पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़ रहे थे अपने रोड मैप पर हमेशा से, और वो चीज़ मैंने आपको कई बार अच्छे से एक्सप्लेन की भी है, जैसा कि ये सारी चीज़ें और ये चीज़ें। और अभी दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है, वॉलेट कैसीनो एंड एक्सचेंज, यही यहाँ पर मेंशन है प्रोडक्ट के नाम पर, तो ये सारी चीज़ें आने के बाद में कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग वगैरह जो करने वाले हैं, जैसा कि वो फेज 4 में मेंशन है इंक्रीज इन मार्केटिंग, और जैसा कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक चीज़ बोली है टेलीग्राम से, इन्होंने रिवील किया है कि अपनी जो वेबसाइट है उसको रीडिज़ाइन करने वाले हैं, तो वापस से ये सारी चीज़ें यानी कि जो भी टर्म्स होंगे, जो स्टेप्स होंगे इनके रोड मैप में, शायद उसको भी आगे पीछे ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको टाइम तो चाहिए, ये चीज़ तो समझ में आ रही है। जैसा कि वॉलेट इसी महीने में आना चाहिए था, जो पिछला महीना जो खत्म हो चुका है, हालांकि इन्होंने जस्ट प्रोटोटाइप डाल दिया, और जो एक्चुअल जो वॉलेट है वो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, तो वो भी आ जाएगा जल्दी, लेकिन टाइम इनको चाहिए, इस चीज़ का साफ साफ क्लियर हो गया। और अभी एक चीज़ मुझे और अच्छी लग रही है लवली के अंदर, कि ये $1 वाला जो विजन है उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के कमिटमेंट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि कमिटमेंट करना काफ़ी भारी पड़ जाता है इन पर, क्योंकि जब जब इन्होंने कमिटमेंट किया है और पूरा नहीं होने पर फिर इनको अच्छे खासी तरीके से हेट मिलती है, जो कि ये डिजर्व भी करते हैं। इसलिए मैंने आपको कई वीडियोस में ये भी बोला था कि लवली नो अच्छा प्रोजेक्ट है, ग्रेट प्रोजेक्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट निकल के आएगा कुछ समय बाद, लेकिन जो इसकी टीम है वो काफ़ी घटिया है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, मैंने हमेशा बोला है। बाकी काम तो वो कर रही है, क्योंकि तभी तो जाके ये सब चीज़ें ला पा रही है वो, जैसा कि अगर V3 स्वैप भी आया है तो उन्होंने काम किया है, तो वो सारी चीज़ें जैसा कि ऑडिट सर्विस है, हालांकि इस पर भी कुछ काम नहीं हुआ है, उन्होंने अपने ही कुछ एक दो टोकन को ऑडिट किया था, उसके बाद में ऑडिट अभी तक सामने नहीं आया है बाकी चीज़ों के मामले में। और जो इंडिया की बात रही, तो इंडियन लोग इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, और जो हेटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंडियन से नज़र आते हैं, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमेशा जो हेट मिलता है तो वो इंडियन यूज़र दे रहे होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे इनकी इनकम भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं डेली बेसिस पर जो इंडियन कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं इसको अर्निंग हो रही होगी।
लेकिन ओवरऑल अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आपका टारगेट 2-3-0 किल करना होता है तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र आता है। जैसा कि शिबा इनू के साथ इसको कोई लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वो सप्लाई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शिबा इनू की सप्लाई जो है लगभग 500 ट्रिलियन है और इसकी सप्लाई 50 ट्रिलियन है। तो मार्केट कैप अगर उसकी 10 बिलियन हो, एग्जांपल उसकी अगर मार्केट कैप 10 बिलियन होती है तो लवली इनू की 1 बिलियन होने से भी प्राइस सेम हो सकती है, क्योंकि जो सप्लाई है वो उसमें कहीं ना कहीं 1-0 का अंतर है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ अगर प्राइस की बात की जाए तो शिबा इनू की प्राइस जितना ये आ सकता है इसी मार्केट कैप के साथ भी। अगर इसकी मार्केट कैप बिलियन में भी जाती है, चाहे वो 1 या 2 बिलियन भी टच कर जाए अगर गलती से, तो भाई ये 2-0 आराम से किल कर देगा और उससे भी काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसमें डाला हुआ था, सपोज 80,000, 1 लाख, 2 लाख, तो उनको तो वहाँ से एग्जिट करना ही चाहिए। उनका कम से कम उनको अपना प्रॉफिट तो निकाल ही लेना चाहिए, जो इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट निकाल लेना चाहिए, और ये चीज़ आगे आपको मिलने वाली है फॉर श्योर। और दूसरी बात मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ना ही तो मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं लवली इनू के लिए कोई प्रमोशनल वीडियो कर रहा हूँ या पेड वीडियो। मैंने 1 रुपया भी कभी नहीं लिया लवली वालों ने मुझे, और ना ही मैं इनसे चाहता हूँ, क्योंकि ये दे नहीं सकते। अभी मेरा खुद की इन्वेस्टमेंट से मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहे तो पैसे तो कहाँ से ही देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि इनको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको मार्केटिंग ही करनी होती तो ये कुछ बड़े जो एक्सचेंज है उनको, जो चैनल है उनको टारगेट करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कहीं ना कहीं, और ये लवली इनू के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए, कि देखिए जो बाइनेंस है वो इन्वेस्ट करने वाला है $500 मिलियन इलोन मस्क के साथ मिलकर ट्विटर में। यानी कि ट्विटर के जो शेयर, अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ट्विटर के शेयर थोड़े बढ़ गए हैं अभी, प्राइस लगभग 1.5% का जो उछाल उसमें देखने को मिला है। और उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि बाइनेंस ने इलोन मस्क के साथ मिलकर $500 मिलियन है वो इन्वेस्ट करने का सोचा है ट्विटर के अंदर। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आता है कि जैसे इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था तो काफ़ी लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, हर कोई सोच रहा था कि अब क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ जो र्यूमर्स होते थे वो काफ़ी कम हो जाएंगे, इसको पॉजिटिविटी आने वाली कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। और उस चीज़ को लेके कुछ लोग को जो कन्फ्यूज़ थे उनको भी अब कन्फर्म हो गया होगा कि ये चीज़ होने ही वाली है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसी न्यूज़ के बाद में ग्रीनरी भी बढ़ गई है कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम, चाहे XRP, चाहे जिलिका, जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं वो भी काफ़ी ग्रीनरी में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा रैली पकड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो अगर ये इलोन मस्क के साथ मिलकर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब ये निकल सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को तो सपोर्ट मिलने वाला है इस डील के जरिए। तो ओवरऑल ये तो पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट थे वो प्रिडिक्ट कर रहे थे रैली पिछले 3-4 महीनों से, जो चार्ट एनालिसिस वो कर रहे थे बार बार, और वो सारे रॉन्ग प्रूफ हो रहे थे बुरी खबरों के चलते हुए। जो मिक्स खबरें आ रही थी, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ मिक्स में आ रही थी, तो उनके चलते मार्केट फंसा हुआ था बार बार, छोटा सा क्रेस बढ़ा फिर डाउन आ जाता था, फिर पंप होता था, तो ये सब चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, अगर आज की डेट में आप ट्विटर पर जाकर देखते हो तो आपको ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगी। बाइनेंस काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी करवा रहे हैं आगे जाके, वो चीज़ें भी देखने को मिली हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है उसमें पुश देने वाली हैं। तो यही था ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।